Secondary School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Mr. Pokhra, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. समाज में जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और खासकर ऐसी परिस्थितियों में कर रहे हैं जहां पर परिस्थितियां बहुत कठिनाई भरी है, वहां पर उनका उचित फोरम में सम्मान होना चाहिए। वो भी देश के लिए उतनी ही बड़ी सेवा कर रहे हैं जैसे कि हमारे सीमा में खड़े हुए हमारे सिपाही। उसी दिशा में आज हमारे जो काशी विद्यापीठ ब्लॉक की मुड़ादेव आंगनवाड़ी केंद्र की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं श्रीमती पुष्पा रानी जी और आंगनवाड़ी सहायिका श्रीमती सरिता पटेल जी का हम लोगों ने यहाँ पर आज गणतंत्र दिवस में उनको मुख्य अतिथि बनाकर उनके हाथों से झंडारोहण का कार्यक्रम कराया और उनके साथ साथ पूरे मंडल के हर जनपद के दो दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका और भी जो ऐसे इस बाल विकास कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको सब लोग आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा आज गाँव में ऐसे कुपोषण से और उनको जो प्री स्कूलिंग की एक शिक्षा से वो वंचित है उस दिशा में अगर जो भी अच्छा कार्य कर रहा हम लोग उनका सम्मान करना चाहिए। और इनके बारे में हम लोगों ने पता कराया तो ये अपने केंद्र को बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चला रही हैं। पूरा उन्होंने एक अपना मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बना दिया है। उन्होंने वहाँ पर रेड कैटेगरी के जो बच्चे थे उसमें से काफ़ी बच्चों को अपने येलो कैटेगरी या ग्रीन कैटेगरी में ले आई हैं और वहाँ पर एक जो भी बच्चे वहाँ पर रहते हैं उनको अपनी गतिविधियों के माध्यम से उनको एक अच्छी शिक्षा दे रही है जिससे कि आने वाले जो बच्चे हैं वो आने वाले समय में देश के एक समृद्ध और एक कर्मनिष्ठ नागरिक बन सके। सर ये प्रयास पिछले बार भी आपने किया था, क्या संदेश है? संदेश ये कि कोई भी ऐसे समाज के जो भी वर्ग हैं जो अपना कार्य अपनी तन्मयता से और निष्ठा से कर रहे हैं उनका भी उतना अधिकार इस तरह के समारोह में मुख्य अतिथि बनने का जितना कि और किसी का। तो इसी दिशा में हम और आने वाले समय में भी इस तरह से जो समाज में जो भी अच्छा कार्य कर रहा है उनको हम लोग सम्मान करने का काम करते रहेंगे। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8, call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. Sarthak Surgical Center, जहां अत्याधुनिक lithotripsy machine द्वारा गुर्दे की पत्रिका बिना operation के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण hospital, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुष्पा रानी, काशी विद्यापीठ ब्लॉक के ग्राम सभा मुड़ादेव से हूँ। पुष्पा जी, आज कितना बड़ा ये दिन मानेंगी, आज आपके हाथों से इतना बड़ा जो गणतंत्र दिवस का मौका है उसमें झंडा उत्तोलन करने का मौका मिला? सबसे पहले तो मैं मंडल आयुक्त महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं तो सिर्फ अपना कार्य करती हूँ और मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिल जाएगा, लेकिन आज मैं समझ गई कि कार्य की पूजा हर जगह होती है और मैं कमिश्नर साहब का जो है कि धन्यवाद एकदम हृदय से करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम जैसे इतने निचले कर्मचारियों को भी ये सम्मान सर की वजह से मिला है और इससे हम लोगों का मनोबल और बढ़ा है और एक और इच्छा हुई है कि इससे भी अच्छा हम लोग करें। मेरा नाम सरिता पटेल है, मैं काशी विद्यापीठ ब्लॉक और ग्राम मुड़ादेव से आई हूँ। और सरिता जी, आज कैसा लगा इतना
26 जनवरी के मौके पर इस तरह से सम्मान पाया? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने माननीय कमिश्नर साहब का बहुत लाख लाख आभार प्रकट करती हूँ और मैं अपने काशी विद्यापीठ ब्लॉक के सभी अधिकारियों का लाख लाख आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे इस इतने बड़े माहौल में और इतने बड़े जनता के बीच में हमें और यहाँ उपस्थित किया गया। मैं बहुत खुश हूँ, इस खुशी की मैं बयां नहीं कर सकती। मेरे शुरू से ही लोगों की सेवा करने के लिए मतलब बहुत इच्छा थी कि मैं किसी तरह से देखी और सेवा करने के लिए तो सबसे अच्छा यही रास्ता है कि सब झंडे से शुरुआत करते हैं मतलब वो सुपोषित, क्योंकि जब वो सुपोषित करेंगे तभी उनका शरीर भी विकास करेगा और वो अच्छे से सोच पाएंगे और तभी हमारा जो भारत है वो विकास करेंगे। सर मुझे 2011 से ही जी सब बच्चे सर बड़ा बेटा बीटेक कर चुका है और बीटेक की तैयारी करके उसके परीक्षा कर रहा है और छोटा जो है बीसीए करके एमसीए कर रहा है और एक छोटी सी जॉब भी कर रहा है। आप सभी कब पढ़ेंगे? आप कितनी पढ़ेंगे? बीए। आप भी 2011 से? बहुत अच्छा आपके बारे में पता चला कि आपको कहाँ जी।